अब क्या होगा मामा? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्बा जी के हवासों पे तो रोशनी छाई हुई है और उनसे कोई बैद नहीं है। मुझे तो कम वक्त उम्र पे गुस्सा है, सारी अकड़ एक लम्हे में निकल गई। अच्छा हुआ चला गया कम वक्त, वरना सच उगल देता। शुक्र है किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरना वो तो बार बार मेरा नाम ले रहा था। रानिया, अब वक्त आ गया है कि तुम रोशनी से दूर रहो। मैं तो पहले ही इसे मुंह नहीं लगाना चाहती थी। मुझे डर लग रहा है मामा, कर अगर रयान की हमदर्दी और मोहब्बत जाग गई तो। अल्लाह ना करे, बस तुम अपने शोहर की अब परछाई बन जाओ। मामा, मामा आप ऐसा क्यों नहीं करती? रोशनी की शादी कहीं और करवा दे, मेरे सर से तो बला टले। रानिया रानिया, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, इतनी जल्दी तो ये सब कुछ नहीं हो सकता ना बेटा। नामुमकिन भी तो नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर रयान ने उसे अपनाने की बात कर दी तो फिर? इसका एक हल है। वो क्या? तुम बस जल्दी से ना मां बनने की खुशखबरी सुना दो, फिर रयान की दूसरी शादी के चांसेस कम हो सकते हैं। इतनी जल्दी ये कैसे मुमकिन है मामा? तुम रयान से बात करने की कोशिश तो करो ना। कोशिश करूंगी।